उन दिनों केरल का एक कोट्टायम जिला त्रावणकोर रियासत का हिस्सा था। इसी जिले के एक गांव में नारायणन परिवार बेहद गरीबी में दलित मोहल्ले की एक झोपड़ी में रहता था। इसी में 27 अक्टूबर 1920 को कोचिरिल रमन का जन्म हुआ। कई बार स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण पढ़ाई का सिलसिला टूटा, लेकिन सफर चलता रहा। त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी के साथ एमए किया। पढ़ाई की भूख खत्म नहीं हुई थी, लिहाजा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ने चले गए। लौटे तो त्रावणकोर यूनिवर्सिटी में 23 साल के नौजवान प्रोफेसर बन चुके थे। प्रोफेसरी करते करते पत्रकार बन बैठे। हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया। इस बीच देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। नेहरू जी के कहने पर भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन कर ली। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चीन, म्यांमार, अमेरिका और थाईलैंड समेत अनेक देशों में भारत के राजदूत रहे। 1989 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। 1984 में उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। केरल से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। देश के योजना, विदेश, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और औद्योगिक अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने। हर भूमिका में के.आर. नारायणन ने अपनी छाप छोड़ी। उनकी सेवाओं ने देश का मान बढ़ाया और इसी वजह से 21 अगस्त 1992 को वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 1997 डॉक्टर के.आर. नारायणन की एक और शानदार पारी की शुरुआत। वो देश के नए राष्ट्रपति थे। इस दौरान भारत ने अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई, लेकिन देश की राजनीति में एक बार फिर अस्थिरता का माहौल भी नजर आया। दो बार लोकसभा भंग करने का फैसला उन्हें लेना पड़ा, मगर कभी भी उन पर कोई सवाल नहीं उठा। उनकी निष्पक्षता का सभी दलों ने सम्मान किया। कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने शिक्षा पर एक बार फिर अपना ध्यान केंद्रित किया। खामोशी से यह काम चल ही रहा था कि बीमारी की वजह से 9 नवंबर 2005 को दिल्ली के सेना अस्पताल में के.आर. नारायणन हमेशा के लिए कूच कर गए।